स्टार्ट करते हैं फिर से केमिस्ट्री 12th का एक नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ रहे हैं डीप लोक तत्वों के गुण। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे गलनांक उतनांक धात्विक लक्षण घनत्व के बारे में। आज हम कुछ और डीप लोक तत्वों के गुणों को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणवीय एंथैल्पी से। इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। डीप लोक तत्वों की परमाणवीय एंथैल्पी की बात करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि परमाणवीय एंथैल्पी क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो डीप लोक के तत्व होते हैं उनके परमाणु जब आबंध बनाते हैं, परमाणु आपस में जिस बंध से, जिस धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, उस समय जो ऊर्जा आवश्यक होती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसको हम बोलते हैं परमाणवीय एंथैल्पी। बात करें परमाणवीय एंथैल्पी डीप लोक तत्वों की बहुत उच्च होती है, माने डीप लोक तत्वों की परमाणवीय एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। और उसमें भी अगर हम डीप लोक तत्वों की संक्रमण श्रेणी की बात करें तो जो दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी है उनकी परमाणवीय एंथैल्पी प्रथम संक्रमण श्रेणी से अधिक होती है। उसका कारण यह है क्योंकि परमाणवीय एंथैल्पी डिपेंड करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी तत्व में जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी परमाणवीय एंथैल्पी उतनी अधिक होगी। तो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की में जो ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण इनकी परमाणवीय एंथैल्पी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के इस टॉपिक की थ्योरी की, जो कि मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखने वाला हूं, उसके बाद आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो देखिए परमाणवीय एंथैल्पी समझाने के बाद मैंने आपके लिए इसको थ्योरी को नोट किया हुआ है। इसमें लिखा है सामान्यतः संक्रमण तत्वों की जो परमाणवीय एंथैल्पी है उसका मान अधिक होता है। रीजन वही, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें अधिक होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से परमाणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है, इसलिए उनके मध्य बंध जो है ज्यादा और मजबूत बनते हैं। इसलिए परमाणवीय एंथैल्पी का मान डीप लोक की बात करें तो सामान्यतः क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम डीप लोक तत्वों की संक्रमण श्रेणी की परमाणवीय एंथैल्पी की आपस में तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है उनकी परमाणवीय एंथैल्पी प्रथम संक्रमण श्रेणी से अधिक होती है। तो लिखा है देखिए द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणवीय एंथैल्पी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणवीय एंथैल्पी से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो लिखा है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अतः सीधे सीधे कहें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर परमाणवीय एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो आप पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में देख रहे होंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा है उतना गलनांक ज्यादा है, क्वथनांक ज्यादा है, उतना ही धात्विक बंध अधिक बन रहा है, परमाणवीय एंथैल्पी भी अधिक हो रही है। तो सीधी सी बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर इस डीप लोक तत्वों के बहुत सारे गुण निर्भर करते हैं, उनमें से परमाणवीय एंथैल्पी भी है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से इनकी परमाणवीय एंथैल्पी का मान अधिक हो रहा है। तो आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए डीप लोक तत्वों के एक महत्वपूर्ण गुण परमाणवीय एंथैल्पी को पढ़ने के बाद उससे भी एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनन एंथैल्पी को हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है, या आपने कक्षा 11 में पढ़े भी होते हैं टॉपिक। तो आयनन एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी ऊर्जा परिवर्तन अर्थात ऊर्जा को ही कहते हैं। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी तत्व की गैसीय या विलगित अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। बात करें डीप लोक की आयनन एंथैल्पी की, तो डीप लोक की जो स्थिति है वो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक। और हम ये जानते थे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जब हम जा रहे होते थे तो आयनन एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक से थोड़ा ज्यादा जबकि पी ब्लॉक से कम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप इस ओर जाते थे तो कक्षाओं की संख्या तो निश्चित हो जाती थी तत्वों की। जैसे आवर्त दो की बात करें तो आवर्त दो में, या आवर्त तीन की बात करें तो आवर्त तीन में सारे तत्वों की जो कक्षाएं होंगी वो तीन ही बनेंगी, तीन ही कक्षा बनेंगी, परंतु उनमें जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो लगातार बढ़ते जाएंगे, जिस कारण नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के प्रति बढ़ता था और कक्षा अंदर को खींचती थी, अर्थात परमाणु त्रिज्या छोटी होती थी। और नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के प्रति अधिक रहने की वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो अधिक ऊर्जा देनी पड़ती थी,
इसलिए अन्य एंथैल्पी का मान बाय से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि डी ब्लॉक की अन्य एंथैल्पी एस ब्लॉक से तो अधिक होती है और पी ब्लॉक से कम होती है। अगर हम बात करें स्पेशली डी ब्लॉक की संक्रमण श्रेणियों की, तो जो तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है, जो तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है उसके तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा, प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो नाभिक का आकर्षण होता है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के प्रति वो अधिक होता है, जबकि इनमें थोड़ा सा कम होता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि यहां पर परिरक्षण प्रभाव, जब यहां पर नाभिक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो खींचने की वजह से एक परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो भी ज्यादा रहता है। तो फाइनली जो नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के प्रति होता है वो कम होता है, यहां ज्यादा होता है। अर्थात तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व के जो नाभिक हैं, तत्वों के परमाणुओं के जो नाभिक हैं, वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षण से खींचते हैं, अर्थात परिरक्षण प्रभाव यहां कम होता है। इस वजह से तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा आवश्यक होती है, इसलिए तृतीय संक्रमण श्रेणी की आयन के तत्वों की आयन एंथैल्पी का मान प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयन एंथैल्पी की अपेक्षा अधिक होता है। एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने एस ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में आपको स्थिति बताई है, तो एक तो कारण मैंने यही कहा, हम ये भी कह सकते हैं सामान्यतः कि डी ब्लॉक तत्वों के जो परमाणु त्रिज्या होती है, जो परमाणु आकार होता है, वो एस ब्लॉक की अपेक्षा तो कैसी होती है? कम। एस ब्लॉक की अपेक्षा डी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या कम व प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जबकि पी ब्लॉक की अपेक्षा ये दोनों ही मान उल्टे हो जाएंगे। माने पी ब्लॉक से अगर आप कंपेयरिंग करें डी ब्लॉक की, तो परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक की जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो एस ब्लॉक से ज्यादा है जबकि पी ब्लॉक से कम है। तो आपको आयरन एंथैल्पी वाला जो टॉपिक है, डी ब्लॉक तत्वों का जो गुण है, वो समझ में आ गया होगा। इसको समझने के बाद मैं इसकी थ्योरी आपके लिए नोट कर देता हूं, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बहुत ठीक तरीके से बनते रहें। बोर्ड एग्जाम में डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण में आयरन एंथैल्पी को बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो देखिए, मैंने डी ब्लॉक तत्वों के आयरन एंथैल्पी के बारे में आपके लिए बोर्ड पर लिखा है। इसमें लिखा है डी ब्लॉक तत्वों की आयन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक तत्वों से अधिक व पी ब्लॉक तत्वों से कम होता है, क्योंकि डी ब्लॉक की जो परमाणु त्रिज्या है वो एस ब्लॉक से कम है और प्रभावी नाभिक आवेश कैसा है? अधिक है। तो प्रभावी नाभिक आवेश जब अधिक है तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए एस ब्लॉक की अपेक्षा, तो इसलिए एस ब्लॉक से तो ज्यादा ही है इनकी आयन एंथैल्पी का मान। जबकि अगर डी ब्लॉक की कंपेयरिंग पी ब्लॉक से करें, तो डी ब्लॉक तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो पी ब्लॉक से अधिक है वह प्रभावी नाभिक आवेश कम है, अर्थात पी ब्लॉक वालों के लिए प्रभावी नाभिक आवेश का मान अधिक है, डी ब्लॉक के लिए कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक की अपेक्षा थोड़ा कम ऊर्जा पर निकल जाएगा, इसलिए आयन एंथैल्पी डी ब्लॉक तत्वों की कम हो जाएगी। अगर बात हम डी ब्लॉक तत्वों की संक्रमण श्रेणियों की आयन एंथैल्पी के तुलनात्मक अध्ययन की करें, तो आप देखेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयन एंथैल्पी प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो नाभिक का आकर्षण है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के प्रति अधिक हो जाता है और परिरक्षण प्रभाव कम रहता है, अर्थात प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कक्षा के प्रति तो अधिक ही रहता है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव भी ज्यादा होता है, इस वजह से फाइनली जो आकर्षण है वो थोड़ा कम होता है। जबकि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो नाभिक का बाह्यतम कक्षा के प्रति आकर्षण है वो अधिक ही रहता है, इसलिए तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, इसलिए उसकी आयन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण गुण ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों के और एक महत्वपूर्ण गुण ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था आप समझते होंगे कि जो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना प्लस में संख्या प्रदर्शित करना,
या कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उतनी माइनस में वो संख्या प्रदर्शित करना, फिर वो संख्या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। चूंकि डी ब्लॉक के तत्व धातुएं हैं तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते ही हैं, तो इसलिए इनकी सबकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में ही होगी। पहली बात तो ये, डी ब्लॉक के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था निश्चित होती है, वही एस ब्लॉक की बात करें तो जो फर्स्ट ए वर्ग वाले तत्व हैं उन सबकी प्लस एक होती है, जो सेकेंड ए वाले हैं उन सबकी प्लस टू होती है, इनकी प्लस वन होती है। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले होते हैं, ये सब दो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले होते हैं। ऐसे पी ब्लॉक वालों की भी लगभग लगभग निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था होती है, परंतु डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, माने एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बस बात अगर हम करें डी ब्लॉक के तत्वों की, किसी भी संक्रमण श्रेणी में जो लास्ट तत्व होता है जैसे जेडन है, तो वो केवल एक कोई निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा क्योंकि उसमें डी टैंग कंप्लीट होता है फिलहाल। तो एक कॉमन बात यह है कि डी ब्लॉक की किसी भी संक्रमण श्रेणी अर्थात डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, माने वो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, भाई एक तो एनएस वाला एनएस टू जिसे हम बोलते हैं, और एक उससे पहले वाला एन माइनस वन डी वन टू टेन। भाई ये वाला कोश भी अपूर्ण होता है और ये वाला कोश भी अपूर्ण होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो सकते हैं और ये भी डोनेट हो सकते हैं, तो इसलिए वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, फिक्स नहीं करते। लेकिन जब किसी भी देखिए मैंने यहां पर इसको बताया हुआ भी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए लिखा है, ये तत्व लिखे हैं 10 और ये उनकी संभव ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी हैं। जैसे स्कैंडियम प्लस टू प्लस थ्री प्रदर्शित कर रहा है, टाइटेनियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वेनेडियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, क्रोमियम तो प्लस सिक्स तक कर रहा है, फिर एमएन प्लस सेवन, इस प्रकार से आप देखेंगे कॉपर प्लस वन प्लस टू शो कर रहा है, एफई प्लस टू प्लस थ्री ज्यादातर शो करता है, कोई प्लस वन और प्लस सिक्स भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर वो प्लस टू और प्लस थ्री प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये परिवर्ती प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि इन सबके बाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, लेकिन जिंक में केवल प्लस टू आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक के टाइम पर जो एन माइनस वन डी में टैन हो जाते हैं माइनस टू, फिर उस स्थिति में केवल ये इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर पाता है, इन दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस टू होती है और निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऐसे ही अगर हम किसी और दूसरे संक्रमण श्रेणी की बात करें तो वहां तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती आएगी, फिर अगली संक्रमण श्रेणी की बात करें तो उसमें भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक की किसी भी संक्रमण श्रेणी में आप देखेंगे तत्वों को तो वो परिवर्ती अर्थात बदलती हुई अर्थात एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कारण सिंपल सा है, क्योंकि उनकी बाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, उनको पूर्ण करने के चक्कर में वो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और जब वो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो वो अलग अलग उनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेकिन संक्रमण श्रेणी का लास्ट तत्व निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि उसकी केवल बाहर वाली कक्षा ही अपूर्ण रह जाती है, अंदर वाली में डिटैन हो जाते हैं। तो आप इस संक्रमण श्रेणी की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को अपनी कॉपी पर नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको लिख दूंगा, और थ्योरी लिखने के बाद फिर हम कुछ ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस संक्रमण श्रेणी की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए जो है ऑक्सीकरण अवस्था की जो थ्योरी है वो लिख दी है, इसमें है डी ब्लॉक के लगभग सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था वो प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें बाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, वे ये तत्व अपने इन दोनों कोशों को ही अलग अलग तरीके से पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसलिए बदलती हुई संयुक्त प्रदर्शित करते हैं। कुछ देखिए ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस दो होती है, इसका मतलब अधिकांश सारे तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इस ब्लॉक के तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ होगी, वो इसमें नहीं किसी भी ब्लॉक में होती है भाग, क्योंकि फ्लोराइड और ऑक्साइड बहुत ज्यादा ऋणी तत्व हैं, इसलिए जो इनके साथ जुड़ेगा वो बहुत ज्यादा धनी तत्व जुड़ेगा, तो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ही प्रदर्शित करते हैं। साथ में कुछ संक्रमण तत्व ऐसे भी हैं जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर ऐसे यौगिक बनाते हैं, जैसे NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल
इसमें आप चेक करें तो एनआई की ऑक्सीजन अवस्था कितना आती है, शून्य आती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन अवस्था वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे बड़े महत्वपूर्ण आपको मैंने ये गुण बताए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ टॉपिकों की बात करेंगे, जैसे उत्प्रेरकीय लक्षण डीवलोक तत्वों में, चुंबकीय लक्षण और रंगीन आयनों का बनना। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें महत्वपूर्ण तीन टॉपिक हो रहेंगे। तब तक आप ये जितने भी गुण आपको मैंने बता दिए हैं इनको कॉपी पर नोट करने के साथ साथ आप इसको याद करते रहिए, समझते रहिए, रिवाइज लगातार करते रहिए। बहुत जल्द ही इस चैप्टर को हम फिनिश करने के बाद उप सेशन योगी वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आपका कॉपी पर जो वर्क है वो रिटर्न वर्क कंप्लीट हो और साथ में आपको सब कुछ अपना बहुत अच्छे से याद भी हो रहता हो। मैं जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर आपको एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन वहां पर पता भी चल जाएगा आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।